हाय लगो हाय लगो हाय रे लुगाई हाय रे लुगाई लगो हाय रे लुगाई ले बजंडू गांव में तेरी भाभी बहुत गणी है लेकिन जीते की भू बरगी तो गांव में एक भी कोनी। अरे कोयल सी उसकी बोली है मोरनी मुर्गी उसकी चाल है रमने तो या करीना कपूर ते भी सूत्री लगे है बिरानी बैल कौन सा सैंपल लावे है पूरे लग खुशबू उठी है सारी भाभी तेरे ते बोलने बतला रहे इसने कदे आज तक बात भी नहीं करी पोस कहे जंडू या शर्मांदी हो एक काम करे आज तो तुम्हें राम राम कर ले देख यू आ गया डेढ़ का बीज रोज तड़के तड़के आ जाए और मटर मटर लखान लग जाए बिरानी केला रहा से मने बाबी जी राम 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 जंडू राम राम चिंटू बेटा ओ चिंटू बेटा ओ बेटे जंडू या तो तेरे कानी देख के हंसगी और हंसगी तो सोच ले फसगी या चिंटू ने कोनी बुलांदी या तो तन्ने बुलावे है समझदार को इशारा ही काफी है बाकी जंडू एक बात है या शर्मांदी कोनी बुलांदी तने जाए तो छोरे ते इशारा करया है बेटे कल ना छोरा आवेगा उससे पूछिए बुलावे ठीक नहीं उस छोरे में SMS पावेगा तेरा बेटा चिंटू इधर आओ बेटा बोलो अंकल बेटा एक बात बता तेरी माँ मने बुलावे थी मन्ने तो बेरा कोनिया पर गराजा का पूछ लूंगा पर अंकल ये बात मैं तो रोज क्यों पूछा करो बस बेटा न्यूए कदे तेरी माँ मने बुलांदी हो और तेरे याद नहीं रंदी हो अंकल इतना बुलक्कड़ कोनिया में कोई बात नहीं बेटा जे इतना बुलक्कड़ नहीं है तो आज तेरी माँ ने जरूर पूछ लिए आज मेरा फाइनल डे है ठीक है अंकल माँ मारी हाँ बेटा बोल के बात से के बात होती माँ वो जंडू नहीं से हाँ वो रोज मेरे से लूका वैसे की कवे है बेटा चिंटू तेरी मामा ने बुलावा थी हाय राम उस जायरो जंडू की इतनी मजाल आन दे तेरे बाबू ने बताऊंगी मैं बढ़वाऊंगी उसका रांझा रे भगवान के कर रही है के कर रही सु चिंटू के बाबू नू क्यों कर बैठी से मूड सा खराब हो रहा के मैं बैठी के सु वो जाय रो है झंडू से ना वो अपने चिंटू ने इसी बात कह है जे आपने बता दूंगी ना तो आपके भी गात में आग लग जागी वो अपने चिंटू ते न्यू कह है के बताऊं मन तो शर्म भी आवे से ना ना बता खुल के न्यू कह था अक तेरी माँ बुलावे थी के मने अच्छा उसकी या हिम्मत भगवान बात सुन तू सुन बुला ले हाय राम यू आप के कहने लाग रहे हो समझा कर चिंटू तनु कह दिए नू कह देगा उसने अगर मेरी माँ बुलाओ थी जाए रोए तू यो के कहने लाग रहा से तेरी भी शर्म बाजगी अरे मेरी बात समझा कर और बात सुन एक बार हाँ ठीक कैसे समझगी न्यू है करूंगी जा बेटा चिंटू ना ना मैं तो खेल काऊंगा खेल या बेटा पर एक काम करिए के जे तने झंडू मिल जाने हां और तेर ते पूछे तेरी माँ बुलावे थी मने तू न्यू कह दिए बुलावे थी ठीक है माँ कह दूंगा अंकल अंकल
हाँ बेटा, एक बात बताऊ? बताओ बेटा। आज अंकल। अरे के बेटा, थोड़ा बता दे। आज अंकल जी। अरे बता दे, कद बतावेगा। और अंकल जी, आज तो मेरी माँ अपने बुलावे थी। अरे तेरी माँ मने बुलावे है? हाँ अंकल जी, आज मेरी माँ बुलावे है। आए रे, मैं तेरे पे कुर्बान हो जी और दे दूँ। इसे गणे तो कोनी आजा बेटा, तेरे पांच का तो जरूर दे दूँ। यो ले बेटा पांच का नोट, इसकी चीज खाइए और कम से कम पांच घंटे पाछे घर आइए। ठीक है अंकल जी। मोजा शाम से मेरे होनी मोजा एवरीबॉडी भाई मोजा। चल बेटे, झंडू क्यों वार करे है? हरी झंडी भी मिल गई और आज तो लाइन भी साफ है। बुलाया और हम चले आए रे, दिल हथेली पे ले आए रे। आए बेटे बाबी, राम राम। आइयो देवर झंडू, तेरी तो दो बेली राम राम। आओ देवर आ गया। खाली को नहीं आया बाबी, जमाल सारा हूँ। आजा बैठ जा खाट पे, टेढ़े गोज में पांच ले रहा हूँ। रोए झंडू, पेड़ तो तने मैं खाऊंगी, तू भी के याद रखेगा। पहले कुवार बंद कर आऊं। कुवार तो बंद कर दिए बाबी, पहला न्यो बता दे भाई कड़े जा रहा है। तू अपने भाई की चिंता ना करे, वो तो मने मीठी गोली दे के खेत में भेज रखा से। झंडू, अरे वाला गम मचा। रा भगवान, कुवार खोलिए। रा सुनती नी के पैरी होगी। हाय रे बापी, तू तो कहती भाई खेत में जा रहा है, यो तो आ गया। झंडू, मन्ने के बेरा था यो इतनी तावड़ी आ जागा? आज तो जेली गंडासी लेके खेत में गेल जा रहा था। हाय झंडू, के करना था इब तो यो तले मारेगा। खोलिए कुवार। बापी। हाँ? बाबी, ई मने बता मैं कित जाऊं? झंडू, तू न्यू कर, या कून दिखे से? दिखे से। न्यू कर, तू इसमें जाकर कोड़ा हो जा। आए, के करेगा वो? तू घबरावा ना, चिंता ना करे, मैं तेरे ऊपर कंबल घेर दूंगी। और वो न्यू सोचेगा काटड़ा बन रहा है। अरे झंडू, आज तो ना काटड़ा भी मरना पड़ेगा, हो जाके कोड़ा देखी जाएगी। खोल लगी कि नहीं? आए, चलती चाल झंडू, लबा भी तो आ गिर दे, कंबल हो गया कोड्डा में तो। ले ले यो गिरा कंबल। आए मुंह क्यों ढके है बाबी, छींक आ जाएगी ना, साल दो रहे फुंता लग गया इसका। अरे खोल दी क्यों ना, के कर ऐसा तू मित्र? चुपचाप हो जा, बोल लेना आ गया यार है, बस खोल लूं सू। पेड़े क्यों कर दे रहे थे? पहले पेड़े खावा भाई। बड़ा मजा आया भाई। यो कुंड में केस है? काटड़ा बांध रखा है। और भीतर काटड़ा? अरे मेरी सासू की काटड़ा बांध रही जगह दिख, दे मने लट। अरे
मोटरसाइकिल से चलान लग गया सहज मार कदे आड़े चौथ कर दे अरे मैं इसका सब कुछ बंद कर दूंगा कुछ नहीं आ सकता आया था मजनू का चेला बनके क्यों भगवान किसी रही जमट ठीक रही ईसा काम कर दिया से लुगाई की तो बहुत दूर बात इब तो कोई आदमी भी बुलाओगा ने फिर भी नहीं जाओगा ये भगवान तेरा लाख लाख धन्यवाद है जिंदू आज तो भगवान ने तेरी इज्जत बचा ली भगवान ने के बचा ली तेरी इज्जत तो बचाई तेरी उस प्यारी प्यारी भाभी ने जो तेरे पे कंबल नहीं गिर दी तो तू तो उड़े पिछाण में जिंदा तेरे तरीके हालत कर जंडू जमा टालर हाय तेरा कर डेर काला मुंह तेरे खोजलिया की माला गालर तेरी बेजती की हो जिंदी रे जमा रिठा दे रे आज टोरे पे चल इतने तो गधे पे बिठा दे रे हाय रे भाभी तो मेर मौत करे है तेरी हाय रे वो तो जंडू तेरी किस मत खराब थी जो ऊपर तय भाई आ गया हायरे धन्यवाद भाभी तेरा और टाल दिया करया कोण में कोंडा हायरे तने सुकर है कंबल तो गाल दिया धन्यवाद भाभी तने मैं कोंडा करके मेरी इज्जत तो बचा दी फिर एक बात है जंडू भाभी का कोई कसूर नहीं था वो तो भाई ये ऊपर तय आ गया कोई बात नहीं दोबारा फिर कोशिश करके देखिए बारिश में पड़ेगा और धोखे में पिटे का बुरा नहीं मानना चाहिए अरे भाई झंडू राम राम है अरे राजेश भाई राम 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 तेरी दोबे ले राम राम बहुत दिन में मिला भाई रे मिला के आज तो भाई मैं तेरे दौरे एक काम आया सू हाँ भाई काम बता जरूर करांगे भाई मन ने लेना से किराए पर कमरा अरे कमरे की के बात कही चाहे दस ले ले अरे बात तो सुन हाँ अरे तन्ने तो बेराए से मेरा ब्याह तो बहुत दूर की बात सगाई भी ना हो रही हाँ इस बात का तो मेरे को पता है भाई अरे भाई शहर में जित भी जासू उड़े न्यू कह दे हैं भाई छड़ा खातर कमरा खाली कोन्या और झंडू एक मानस ने तो अपने घर का आगे न्यू लिख रख्या है क्यों लिख रख्या है भाई अक्षरों के लिए खाली नहीं बाल बच्चेदार चाहिए से किराएदार भाई फिर इसमें मैं तेरी के मदद कर सकूं भाई तू कुछ नहीं बस एक छोटा सा काम बता दूंगा कर देगा अरे तू छोटे से की बात करे तेरे लिए तो मैं जान भी दे दूं जान भी तू मांग के तो देख ना झंडू जान क्यों लूं अपने भाई की झंडू बस सह तो छोटा सा काम पर थोड़ी शर्म सी आवे है अरे तू शर्म मत कर तू भाई को आदेश दे तेरे लिए भाई क्या काम कर सकता है बताऊं चंडू हाँ बता दे तू बता बता शर्मावे ना की कहना चाहे तू बन जाएगा के बन जाएगा समझ जाना चंडू अरे के समझ जा के बन जाएगा खोल के बता मेरे को ये लुकी चुपी वाली बात पसंद नहीं है चंडू दमकाइए ना भी अरे भाई को दमका के बता मैंने नरक में जाना है चंडू हाँ मेरा काम बन जाएगा तो तू बन जा तो अरे के बन जू तू बात को छुपा मत बता खोल के बन जू झंडू भाई थोड़े दिन खातिर तू मेरी बहू बन पागल है के तू बहू बन जा तेरी बहू किस तरह बन जू मैं तो आदमी हूँ आदमी बहू बन जा रत्न मत जनान्य कपड़े पर आके और उस मकान मालिक दौरे ले चलूंगा और कह दूंगा यह मेरी बहू से तू दो चार दिन बस जनान्य कपड़े पहरे के
अरे घूंघट करे रही है। अरे तेरी बात मैं क्यों कराऊं, जमा थे आ जाएंगे, तू लत्ते तो जनाने दे देगा, गाल पे बाल चार दिन में आ जाएंगे। ना भाई ना, अपने बस की बात को नहीं, किसे ओरे ने मना ले अपनी बहू। अरे झंडू इब तो इतने मोटे मोटे गोले फेंके था, अरे भाई खातर जान दे दूं, भाई खातर मैं न्यू कर दूं, भाई खातर न्यू करके न्यू चढ़ जाऊं, अरे तू छोटा सा काम ना नाट गया। अरे तने यो छोटा हा दिखे क्यों करण ज्यूं, मैं आदमी इतना नौजवान तेरी बहू क्यों कर बन ज्यूं। न्यू बता भाई, दिन रात इन जनाने लत्या में के रहया जैसे ना भाई ना। अरे जब मकान मालिक आवे, जब ओढ़ना ओढ़ के मुंह ढक ले और उसके जाते टायर का भगा दिए। राजेश भाई मैं चल तो पड़ता, लेकिन अपना इतना बड़ा बिजनेस छोड़ के मैं तेरे साथ कैसे चलूं भाई। मैं समझ गया झंडू। के समझ गया भाई तू? तन्ना अपना बिजनेस प्यारा से, अरे यो अपना भाई प्यारा कोन्या, मन्ने नहीं पेरा था तू न्यू जवाब दे देगा टक्का सा, मेरा कति विश्वास नहीं था कि तू नाट जाएगा। बता तू क्या का दोस्त जो भाई की इतनी बात भी नहीं मान सकता। अरे भाई बात तो मैं तेरी सारी मान लू, लेकिन मेरा भी तो यो धंधा चौपट हो जाएगा भाई, मन्ने माफ कर, मैं लुगाई नहीं मिल सकता। ओ भाई झंडू से पा पकड़ वाले, यो काम कर दे मेरा, थोड़े दिन की बात से बस मेरे पेपर हो जाएंगे, घने दिन का मामला थोड़ी से। अच्छा और भाई मान ले तू भी मेरी बात, मेरा काम खराब हो जाएगा सारा। अभी मेरी मान ले तो मैं तेरा छोटी हाथ गाल लूंगी। अरे भाई के छोटी हाथ गाल है, चल झंडू तो चार दिन की बात होगी, कोई बात नहीं, भाई ने के नाराज करेगा। अरे मेरा भाई रे जी जी आ गया भाई। ले बे राजेश देख, इव मैं किसी लग गया। अरे झंडू ऐसा लाग रहा है जन तो कैटरीना की दादी लग गए। अरे ओ भाई राजेश, जे न्यू मेरे गल्ले बोल लगा मैं तेरे गल्ले जान की टाल कर दूंगा। अरे सॉरी झंडू, मैं तो माँ कह रहा था, भूल में दादी कह गया। अरे ओ भाई मामू भी नहीं मनावेगा मने। फिर झंडू एक काम कर, थोड़ी नजाकत लिया जिसे मैं कैटरीना लग गए। अच्छा नजाकत लिया ई बोल रहा लूंगा, मेरा पेट देखिए क्विंटल वर्गा है, न्यू बता छोरी की डाल के ऊपर चल लूंगा। अरे मखा थोड़ा ठुमक ठुमक का चाल, लचक दिखा। देख मेरी लचक कैसे लचक के चलता हूँ मैं। अरे झंटू इतना भी ना लचक है। अरे क्या बात करता है, मेरी चाल देखी कैसे ठुमक ठुमक के चलूं था मैं। ठुमक ठुमक के चल था तू, मैं इस साल आगे करी कराई पर पानी फिरवाओगा। क्या बात, थोड़ा सीरियस हो जा। हाँ बिल्कुल, वैसे मेरा फिगर देख कैसा लगता है, मैं ब्यूटीफुल। अरे ये फिगर लाल लाते दिखा, ये उड़ा फायदा करेगा मेरा आगे दिखाने तक के फायदा। राजा हाँ मन तो पेर है तेरे बारे में सारा, ये छोड़ दो तू। अरे लाला तो मर जगह देख दे मैंने को। घूंघट वाली नाजुक प्री आ गई। चाल भी आ जा। आ गया सेठ जी, राम राम। राम राम भाई, राम राम। सेठ जी कमरा किराए पे चाहिए था। मुखा बार बोर्ड पढ़ लिया? हाँ सेठ जी बोर्ड मैंने पढ़ लिया, हम दो जने हैं सेठ जी, एक तो मैं, एक या मेरी बीवी। हाँ? या तेरी बहू है? हाँ सेठ जी ये मेरी बहू है।
हाँ सेठ जी, मेरे कहीं ध्यान कर लो। भाई बहू तो बहुत लंबी ठंडी ले रहा, और तू पतला रह गया। सेठ जी, रही बहू की बात, आज से खाते पीते घर की से इब्बी भी एक कटोरा दूध का खड़ी खड़ी पी जाए। खाते पीते घर की आए तो पहचानो उसे, और मैं तो माड़ा शहर में रहने लग गया, मैं तो भटूरिया ने कर रखा हूँ सा, इसलिए मैं काम में अपनी गले ले आया हूँ। जाते कमरा चाहिए मैंने किराए पे। ठीक से भाई, मैंने भाई मैं कितना टू हूँ। पर सेठ जी, हाँ किराया देवांगे भी ना खत्म हो पाच से। मखा किराए की कोई बात नहीं, अच्छा 6 महीने पाछे दे दियो। मेरी सेठानी के मेरे पाछे इस घर में बीर बनने की शकल नजर को नहीं आई। आज का दिन बहुत शुभ से जो जनानी ने इस घर में पैर धरी। आ जाओ आ जाओ भीतर आ जाओ। देखो देखो ये कमरे खाली से, कितने मारो लौट यार। रसोई यो गुसल खाना उघाड़े ढक्के नहाओ, थारे खातर के मनाई से। ठीक से सेठ जी। बाबू ये कौन से? मखा ये नए किराएदार से, और या इसकी बहू से, और या मेरी बेटी से चमेली। सेठ जी मरवा वगा के पहला तो दिन ही तो आई हाड़। अरे मखा की मैं आवाज तो मर्दानी सी लगी ना सेठ जी। कल पड़ोस में छोरा हो रहा, थोड़े गीत गात गाँव थी लुगाई पता ही, उन में घनी बोल लिया ज्यादा गड़ा हो रहा है। फिर ये बेटी चमेली करने का थी बज है। एक इसकी सहेली सौड़े कति न्यू की न्यू शक्ल मिले है, इसने सोची वो आए जा तो धोखा लग गया। बस कोई बात ना, कोई बात ना, कोई बात ना, फिर तो मिल लेने दे गले। सहेली तो इसी बाण बाण पर की आग रहे, मिलो मिलो गले, मिलो मिलो गले। तेरा क्या नाम से भाई? सेठ जी मेरा नाम तो राजेश है। कोई बात नहीं भाई, कोई बात नहीं, बहू ने कोई तकलीफ नहीं होने देंगे। एक बकैन की डील से वाई चीज हाजिर कर देंगे। ठीक से सेठ जी, मैं तो आपके घर में नई नई आया सू। नई नई आया सू? अरे राजेश यानू क्यों कटू इन मन बोले? सेठ जी न्यू से इसका कसूर कोई ना, इसने मैं बंगाल से लिया था, इबे थोड़ी ही आदत पड़ दी ही पड़ेगी। अच्छा अच्छा, भाई का दिवा बोल जाए, कोई बड़ी बात नहीं। ठीक से आप बुढ़िया बोल के कहती। मैं यूं कहूं थी कि शाम ने आते वक्त दुकान पर तय गरम जलेबी ले आइयो, मेरा जी कर रहा है। सेठ जी खाते पीते कर किया है पहचानो। कोई बात ना, कोई बात ना, इतनी छोटी सी बात क्यों कर गई इतने जलेबी जलेबी के? मैं तो तेरे खातर सामने दूध का गिलास भी लाऊंगा, उमें डबोइए खाइए चूसिए मौज कर दूंगा मौज। देख री आज तो मैं इस राजेश ने तबाही कहूंगी और तन्ने भाभी कहूंगी। ठीक से ना? ठीक से। अजी सुनते हो? हाँ क्या कह रही हो भगवान? आप जाओ काम पे, मैं तो अपनी ननंद के साथ सेट कर लूंगी घर का सारा सामान। ठीक है फिर चलने दे सेटिंग। क्या कहते हो जाहिरोए? अरे भाभी इब तो मेरा बाबू भी चला गया, इब तो मुंह दिखा दे, इब किस तक घूंघट कर रही से? चमेली मेरी नई नई शादी हुई है तुम्हारे भाई के साथ, मारा यो रिवाज से अक ब्याह के बाद एक महीने तई बहू पड़ता करेगी और अपने आदमी ते सिवाया किसे ने अपना मुंह नहीं दिखावेगी। अरे भाभी यो तो कतिये ने रिवाज से थारे? हाँ चमेली बस एक महीने की बात से। कोई बात ना भाभी, तेरा जब जी करे जब दिखा दिए। रे जंडू रे आज यू के हो रहा है? यो जीता बंठन का आज करे चालिया, लग गए प्यारे 2-4 दिन का टूर पे जावे। आज तो गला जाए क्या, भाभी का हाथ की चा पी के
और मिठी मिठी चार गल्लां जरूर करनी है। पुरानी चोट तो ठीक होगी, बाकी झंडू उस दिन बाबी का कोई कसूर नहीं था, वो तो जीता है ऊपर आएगा। आज कोई नहीं है, चल झंडू प्यारे, क्या बात है। बाबी राम राम। ये झंडू फिर आनम रहा, यो तो कि मैं गणाई पाछे लाग गया। उस दिन की मार तो इसने सबक ना लिया, इसका तो कि मैं राय बंधवाना पड़ेगा। बाबी राम राम, के बात कि मैं बोली को ना। राम राम झंडू, राम राम, बोलू क्यों ना, मन में कि तू पिटवारा कैसे ना। बाबी मैं कौन सा तेरा कसूर काटू सू, तन्ने बचाण में के कमी छोटी छे। तन्ने मैं कोड़ा करया, तन्ने मेरे ऊपर कंबल गेरया, वो तो कुदरती है भाई आ गया। और कोई बात नहीं, बड़ा भाई बाप बराबर से, जे उसने मेरे दो चार लठ मार भी दिए तो मैंने के बुरा मान्या। बाबी तुझे इसने अक्कल नहीं लगी, इबके इसका और इरा बनवाना पड़ेगा। बाबी के विचारा में पड़गी, बाबी कोई चाकी घूंट प्यागी को बात बात में टालेगी। देवर न्यू करिए, आज तो मैंने घनाए काम से, तू तड़के आ जाइए, चा चा के तने तो दूध प्याऊंगी मड़ाई गेर के। बाबी कल भाई तो नहीं होगा घर? ना ना, वो तो चार पांच दिन खातर बाहर जा रहा से। तने तड़के बेरा लागेगा, चार दिन खातर बाहर जा रहा सके, पांच दिन खातर तने ऐसा मजा चखाऊंगी कि तू एक महीने तक पूड़े बंधवाता रहेगा। अच्छा बाबी, आपा तो चला, पर तड़के सूट थोड़ा एंडी गाड़े पाइए। हाँ हाँ झंडू, काल तो तने मैं इसी बड़ी पाऊंगी कि तू मने पहचानन भी ना पावे। ठीक से बाबी, मने पूरी उम्मीद से तेरे पे। भाभी मैं आ गया, तुम कहाँ हो भाभी? कौन है? अकेला हूँ, आ जाओ। कौन है? बाबी झंडू। झंडू आ जा आ जा। आजा बैठ, तेरे खातर दूध गरम करके ले आऊँ। बाबी भाई तो नहीं आ जाएगा? झंडू भाई तो कौन आवे, पर दूध में मलाई जरूर आओगी। ओहो बाबी, मने तो आज बेरा लग गया से, तू मेरे तक कितना प्यार करे से। ओ झंडू रे, तेरे भी ठाट हो जाएंगे और के चावेगा। हाय रे तेरी किस्मत, तू बाबी का हाथ की मलाई खावेगा। हाय रे झंडू, मीठा मीठा दूध पीकर मीठी मीठी बातें करिए बाबी के साथ। बागवान मखा कुवार छोड़िए। अरे झंडू यू क्या कह रहे हैं, तो जीतने की आवाज है आज तेरा क्या? बाबी बाबी री, अरे बाबी कड़े गई, अरे बाबी मर गया मैं तो। झंडू हाँ, क्या हो गया? कुछ नहीं होया बाबी, देखे आज मेरा कोटा और कीमत को नहीं मिला तो पल्ला का सपाट भी नहीं उतरे आशा है। इबला गुरला करने का लीला हो रहा है, कुला मना दुकड़ की जगह और बता दे बाबी री तो मारेगा जीता है। इसाब के हो गया झंडू, दूध ताता करके लेन लाग गई सू, दूध में उफान आ रहा से। रे बाबी तना उफान की पटरी आ रहा, तो ये तूफान आ गया। तूफान आ गया? किसा तूफान आ गया? रम का कुवाड़ खोल ले फिर। झंडू मंजके चिंटू का पापा आ गया। रे बाबी जब का आए बात तो मैं कहने लग रहा, तो बाबी मने लुकड़ी की जगह बता दे। झंडू यो तो तन्ने भी काटेगा और गेला मन्ने भी काटेगा। रे बाबी तेरा तो मन्ने बेरा नहीं जमा ललकार देगा, मेरे पे बाबी एक भी लटको नहीं उठे, आज तो मन्ने जान ते मार देगा, मन्ने लुकड़ी की जगह बता दे। झंडू देख वो सामी पूरी पड़ी से, तू न्यू कर उन पूड़िया में जाकर लुक जा,
रह झंडू रह के दिन देखने पड़िए कोई फलना चाल गया नहीं आंख में उरे काना और हो जाएगा कहेंगे झंडू गया था आज कि मैं एक दिन तापलवा का आ गया रमखा खोले नहीं बती के करस है आऊ सो हाय रे झंडू या तो गई कुआर खोलन देखी जाएगी बड़चिया जाके पुड़िया में शर्म नहीं आंदी डांगर तो भूखे मरने लाग रहे और ये पूरी इबती आड़े खड़ी से सैनी काट के डांगरा के गेर नहीं सका थी के करे थी उड़ प्रति के करूं उन पुलिया में तो सांप बढ़ रहा से सांप और के जब मैं देखूंगा कौन सा सांप की मत पड़ी मारी पुलिया बढ़ने की आए रे झंडू रे तेरा नास हो जाए कड़े रड़ गया आए नाग देवता पहला ही बैठा था तू अड़े पुड़िया में बढ़ गया आए रे आस की का टोटा है कदे जमा रस ले तेरी आस की रह जाए तेरी इतना ही तनव रे पुड़िया है में डस ले अच्छा भगवान न्यू बता कौन सा पर उत्तम सांप से ए उसमें इस पुड़ी में के हाँ अड़ दूर आए रे पापी तेरा भी नाश हो है कड़े मुंह खोल दिया बारे और कतरे यही सारा कंटर इसे पर उठने का नहीं बोल दिया चल कोई बात नहीं झंडू देखी जाएगी जमा ललका रहेगा बेटे आज तेरी जान नहीं बचती इसे दे जेल में मरेगा बोल ना तेरा मरण के जी में है के क्यों इतने भारा भारा बरोटे खाओगी तो मरेगी थोड़े अड़के बांध लिया करे इसी कोई बात ना से अच्छा तो न्यू कर तू जल वाला मेरा ईब लाई बेटे सांप करनू तो मैंने बेरा को ना तू घोड़ा पसार से दो मुई से पर तेरा जहर को ना छोड़ू आज बेटे दोनों दाता ना तोड़ूंगा कसूरत डाल मेरे दाता में कोनी काम चल रहा है और ललकारेगा मन्ने दी क्या बारी ओ सिंगल मेरा माथे में को पार तारेगा रमखा लाई कोना जलवा के बात होई मन्ने कोना पाया जलवा की तरह से तन्ना के कि मैं पाया करे आज तो नहीं पाया कि मैं तने ले माउसू ओ बेटे चंडू रे मौका मिल गया एक काम कर दे तू बढ़ जा दूसरी पुली में और इसने थोड़ी ही प्राण धर दे लाडूर या गेरी पुली ईव छाण दी हूं सारी ने किच्छी लुक रहा हो सांप देखिए किते का पूछड़ा ही बारे कौन आया रजंडू इसकी पूछड़ के तो वह जमानी खावर ओ तो भगवान ने लिखने का मौका दे दिया नित्र शरीर में मेरा नहीं कितने मोगले पावर आए रे जे पूरी में तो नहीं लिखनू रे जंडू तेरा तो ये जरला मनाए का छोड़ दे रे बगा देखे भगवान जो सांप न्यू काबू में कोना हुए यो तो लठा बिना कोना लिखड़ा बार इसका मना चार लठी से पैड दूंगा तो बार लिखड़ता दिखेगा तू ठीक कैसे हाँ अट दूर तू पास ना लेकर लाग जाते रे हाँ इतना तला क्यों मारा था एक तो नागुर ने टूट गया
क्या रे झंडू जमा ललका रहे है? मेरी जमा निशाना बांध रहा है के सीता अंगूठे पे लठ मारे है। देखे भगवान आज मेरी फुर्ती देखे बे। इस सांप ने तो मेरे सांस चढ़ाई है। नू को नहीं लग रहा यो घनाड़िया सांप से यो तो भीतर कर मोड़ू खाए बैठा हूं मन। नू कर मैं तो लिया हूं मटिया तेल की पीपी ठागा भीतर ते और मेरे दर माचिस है गोना खत्म हो रही है। तू लिया माचिस बाज गए ठीक से इब लाई। हाँ देखी इसकी बनावा शला दाड़े भून के। रे झंडू आज तो तेरी ये शकर गंदी ही भून देंगे। हाय रे वो गया भीतर तेल लेने रो आ गई माचिस लेन बेटे मौका है नौकर निकल के बाज ले। आज के किस जागा झंडू दूध तो पीता जा। पी लिया बापी दूध मना जमा ललकारेगा बस मना आले ते लिखन दंदे नी मना तो वो जीता जीते मारेगा जीता मारेगा। सुनियो जी यो सांप लिखन के भाजन लाग रहा से अन्यू क्यों कर भाज जागा यो आया मैं बाबी। अरे तू भी गल्ला मिल रही थी मने तू न्यू बता तू अड़े आया क्यों कर। नहीं बाबी मेरा कोई कसूर नहीं मैं तो चाय पीना आया था। अच्छा चाय पीना आया था तू मने क्यों ला रहा है। आए कुछ नहीं तू तो मेरी माया बरगी है बाबी तू तो मेरी माया बरगी है और यू भी बड़ा भाई बाप प्रभु है। मैं तो चाय पीना आया था बाबी मैंने कुछ नहीं कहा तेरे तक कुछ कहा मैंने। अरे सांप एक बार मेरे कहीं मुंह करिए। हाँ भाई हाँ उम्मीद नहीं थी। अच्छा मन्ने माफ कर दे बाबी मेरी बेइज्जती हो जाएगी गांव में मेरी बहुत इज्जत है। अरे कदा मंगाया मैं तो ही कदा हो। अरे ओ भाई ओ भाई अरे ना भाई तेरे पैर पकड़ू रे तेरा खुशड़ा ही मणक लगी। अरे मैं तेरे आने धरती में नाक रगड़ने तैयार हूं तेरा काला मुंह करूंगा। अरे मेरा ने चार चित्र मार लिए गांव में समाज में न्यू ना बेइज्जती तेरा साबित का मैं उठाऊंगा। अरे मैं खुद खुशी कर जीऊंगा भले इतना मजबूर ना करे ए बाबी लतरे पैरा में लौटू लाड़े को मैं ला कर रख दूंगा मैंने माफ कर दे चार चुप्पी आने मार ले बेइज्जती ना करे काम बनू का बैठ जाएगा। सुने सके न्यू कर हाँ जिम कैसे इतना तो इन्हें माफ कर दे कदे न्यू ना हो के? कि मैं घाटबाद कर ले और ये मारे सर हो जाए। ठीक कैसे भगवान तेरा बैठ लिया बात सुन रहे। हाँ भाई साहब कदे उरा न मुंह करके भी ना सोचे। भाई साहब तू मुंह की बात करे है मैं तो यो गम में छोड़ के चला जाऊंगा। ठीक से जा बाज जा ना तो एक दो कोणी और बैठा दूंगा। रे बेवफा मन्ने उम्मीद नहीं थी जमा मरोड़ दिया मैं तो तना अपनी समझू था तन्ने साथ छोड़ दिया। देखो देखो ये कमरे खाली से कितने मारो लौट यार रसोई यो गुसल खाना उघाड़े डक्के नाओ थारे खातर के मनाई से। ठीक से सेठ जी। बाबू ये कौन से मखा ये नए किराएदार से और या इसकी बहु से और या मेरी बेटी से चमेली। सेठ जी
मरवा वगा के पहला तो दिन ही तो आई हाड़ अरे मखा की में आवाज तो मर्दानी सी लगी ना सेठ जी कल पड़ोस में छोरा हो रहा थोड़े गीत गात गाँव थी लुगाई पता ही उन में घनी बोलिया ज्यादा गड़ा हो रहा है फिर ये बेटी चमेली के नगा थी भज है एक इसकी सहेली सौड़े कतिनू की नु शक्ल मिले है इसने सोची वाह इसे जा तो धोखा लग गया बस कोई बात ना कोई बात ना कोई बात ना फिर तो मिल लेने दे गले सहेली तो इसी बाण बाण पर की हो आग रहे मिल लो गले तेरा क्या नाम से भाई सेठ जी मेरा नाम तो राजेश है कोई बात नहीं भाई कोई बात नहीं बहू ने कोई तकलीफ नहीं होने देंगे एक बकैन की डील से वाय चीज हाजिर कर देंगे ठीक से सेठ जी मैं तो आपके घर में नई नई आया सूं नई नई आया सूं अरे राजेश यानू क्यों करटो इन मन बोले सेठ जी न्यूज है इसका कसूर को ना इसने मैं बंगाल से लिया था ये थोड़ी ही आदत पड़ दी ही पड़ेगी अच्छा अच्छा भाई का दी बोल जी है कोई बड़ी बात है ठीक से अब बढ़िया बोल के कहती मैं न्यू कहूँ थी कि शाम ने आते वक्त दुकान पर तय गरम जलेबी लिया ये मेरा जी कर रहा है सेठ जी खाते पीते कर किया है पहचानो कोई बात ना इतनी छोटी सी बात क्यों कर गई इतने जलेबी के मदद तेरे खातर सामने दूध का गिलास भी लाऊंगा उमे डबोइए खाइए चूसिए मौज कर दूंगा मौज देख री आज तो मैं इस राजेश ने तबाही कहूंगी और तन्ने भाभी कहूंगी ठीक से ना ठीक से अजी सुनते हो हाँ क्या कह रही हो भगवान आप जाओ काम पे मैं तो अपनी ननद के साथ सेट कर लूंगी घर का सारा सामान ठीक है पर चलने दे सेटिंग क्या कहते हो जाए रोए अरे भाभी इब तो मेरा बाबू भी चला गया इब तो मुंह दिखा दे इब किस तक घूंघट कर रही है चमेली मेरी नई नई शादी हुई है तुम्हारे भाई के साथ मारा यो रिवाज से अक ब्याह के बाद एक महीने तई बहु पड़ता करेगी और अपने आदमी ते सिवाया किसे ने अपना मुंह नहीं दिखावेगी अरे भाभी यो तो कतिए ने रिवाज से थारे हाँ चमेली बस एक महीने की बात से कोई बात ना भाभी तेरा जब जी करा जब दिखा दिए मखा मखा ले तने दूध जलेबी मंगाई थी खा ले लिया दे दे सेठ जी मखा कोई बात ना नया नया काम से नए नए में शर्म आया एक रे मुंह देखना से फिर देख लूंगा मखा बोड़िया क्या ये चीज की शर्म ना मानिए जिस चीज की जरूरत हो बता दिए जिब ला दूंगा बोड़िया एक बार मड़ा सा मुंह दिखा दे मुँह न्यू को नहीं दिखाऊ मुँह दिखाई के 500 रुपये लागेंगे 500 रुपये की बात करी तने ले पकड़ 500 रुपये शेठ जी के कर रहे हो कुछ ना भाई मैं तो गिलास और प्लेट लेने आया था दुकानदार की उल्टी देनी से भाई कुछ ना
राजेश। हाँ। अरे जमा जी से आ गए, जमा मस्त आ गया, अच्छा दूध पिया, गल्ला जलेबी भी खा गया। अरे तने तो ठाट कर दिए और थे आगे बोली बूझ, तेरी एक छोटी ही बात का ऊपर देख 500 रुपये मन भी थे आगे। देखे लाला तेरे ऊपर कति पूरा मेहरबान हो रहा है बालू में। अरे मेहरबानी का फायदा उठाऊंगा और लिख देगा, तेरा किराया तय पेंडा भी छूट जाएगा, 4 दिन में मकान मेरे नाम लिख देगा। भाभी। हाँ चमेली। क्या कर रही हो भाभी? नहीं बस ऐसे ही आराम फरमा रही थी। भाभी आज तक कोई नहीं देखता, आज तो घूंघटा उठाए ले और अपना मुंह दिखा दे भाभी। नहीं चमेली, ये घूंघटा मैं कैसे उठा लूं? मैं जो पति भरता हूँ वो धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। चल ठीक है भाभी, जिसी तेरी मर्जी। भाभी हाँ? एक काम कर दो। दो करवा ले। भाभी आज तो मेरे सारे शरीर में थकावट हो रही है, थोड़ी मालिश कर दो। एक काम करो ननंद, यो तेल का पौवा मेरा दोरे धर दो, सारा रमा दूंगी, शरीर में चुस्ती पैदा हो जाएगी चुस्ती। भाभी दिखा था तू इतनी तगड़ी और हाथ इतने नरम नरम, थोड़ी जोर ला का मालिश कर दे, तू तो अच्छे खाते पीते घर की से। अभी करती हूँ मालिश और छेड़ लूं, तेल थोड़ा कम है, 2 टपके और घेर लूं। घेर ले भाभी घेर ले, मने तो जी सा रहा है। आए हाय करे है, क्यों ललकारे है, इब्बे तो पूरा अंगा भी नहीं लाया, पहला ही किलकी मारे है। अरे भाभी तने तो नस पनस चढ़ा दी कती। चिंता ना करे, सब कुछ संवार दूंगी, ला के थोड़ा हाथ तेल इस नस नापे तले तार दूंगी। बस भाभी मेरी तो उतर रही सनस, थोड़ी बाजुआ पोर कर दे मालिश। तू बाजुआ की के बात करे है, तेरे तो मैं सारे शरीर पर मालिश करने तैयार हूँ। बस बस भाभी बस तू बाजुआ पे कर दे। ईव ले ननंद, ईव कर दूंगी मालिश। हाँ 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 नुकर। रे झंडू तू तो हुए लुगाई बनते नाश्ता था बैरी जमा थ्यागी, और रे झंडू तेरी किस्मत देखिए के सूत्री छोरी मालिश करवाना गी। बाबी कौन से ख्याला मुख होगी, मालिश थोड़ी जोर तक कर ले ननंदी। ईव देख मेरी स्पीड, ईव देख क्यों करा चल रहे हैं मेरे। ए मोर गरीब बाबी हाथ ले रही सकलते दौन का बुरे से। क्यों हो गया ननंद? हो था के मालिश करण की कही थी, सारी खाल पाड़ गरी। चिंता ना करा और बचा दूंगी, मेरे दोरे करीम पड़ी है वो आप पे ला दूंगी। ना ना भाभी मना ना लगवानी करीम व्रीम। आरी तू मेरा छोटा सा एक काम और कर देगी? चमेली तू चिंता क्यों करे और थर दूं, तू प्यार ते एक बैके तेरे तो बाज के 10 काम कर दूं। ना भाभी 10 नहीं, तू मेरा एक के काम कर दे। बता के काम से। भाभी अड़ा खेता में एक जामुन का पेड़ से और उसका बहुत बढ़िया बढ़िया काली जामुन लाग रही से, मेरा जामुन खाने करड़ा जी कर रहा से। फिर चमेली? फिर के तू मुंह अंधेरे तड़के तड़क झोला लेकर खेत में जामुन के पेड़ नीचे चली जिए, उड़ा गणिये जामुन टूटी पाऊंगी और झोला भर लाइये। तू जोन सा काम कहेगी ना मैं वो एक काम कर दूंगी तेरा। बस भाभी तू नाटिए मत ना। तू जामुना की के बात करे से, तू कहे तो पेड़ पाड़ लिया तेरे खातिर। ना ना पेड़ की जरूरत ना है, नुकर तू जामुन ले आइये। बाय बाय भाभी। हाय हाय ननंदे।
ले वे झंडू प्यारे, आज तो चमेली बहुत खुश हो रही थी और तेरे हाथ की जामण खावेगी जामण। चल प्यारे, झोला तेरे हाथ में है, जाके चुग ले कदे कोई और पहला ही चुग कर ले, जर चमेली नाराज हो जाए। ले गाल ले झोला, मैं एक दो तो पहला तू भी खा के देख ले झंडू। बहुत बढ़िया है जामुन, बहुत बढ़िया। अरे क्या आवाज, क्या की उरे तो चुगर दे लोए तो रे आदमी भी कोनी दिखता झंडू। सवेरे सवेरे आ रहा है जामण चुगण तू तो। अरे हाय हाय रिच, अरे बाज ले झंडू, तने तो जीते मारते गयो। अरे हाय खाली, हाय खाली, हाय खा लिया, हाय खा लिया रे लोगो, खा लिया, हाय खा लिया। बाजले झंडू बाजले, पेट पैसन की तैयारी कर ले, जमाती पट जाएगा। इसने के मेरा तू आदमी है कि लुगाई, तो अंधे तेरे चिपट जाएगा। अरे मरी क्या रही हो, गोटा भी फूट गया जमा लड़की। अरे तेरा सत्यानाश हो झंडू, बेरानी या चुंदड़ी भी कड़े पड़गी। अरे कोई देखेगा तो के सोचेगा यो लोग है कि लुगाई। अरे झंडू टोले वा चुंदड़ी तने लग भी नहीं पाई। शुक्र है चुंदड़ी तो पागी, बाजले झंडू रिच भी जमा तो रहे आ लिया है। खावेगा झंडू बाजल दिया की। बेटे झंडू हाथ आ गए इसके, खास ले बेटी चमेली। मुखा बेटी चमेली। हाँ बाबू, के कैसा है? मुखा आज राजेश की बहू ना दिखती, कित जा रही से? बाबू तू गुस्सा ना करे तो मैं बताऊं। बेटी मुखा मैं तेरे पे गुस्सा क्यों करूंगा, ले देख एक लाडली बेटी मेरी, बता बता की बात से। बाबू मेरा जामण खान ने करड़ा जी कर रहा था, और वह मैंने खेत में भेज रखी से जामण चुगण, और बहुत देर होली ईपता ही नहीं आई, बेरा ना कित रहेगी। कोई बात ना, कोई बात ना, मैं जासू और मैं उसने बुला के तावड़ा उल्टा आ जाऊंगा। ठीक से बाबू। अरे झंडू इसके हाथ कदलक पकड़े रखेगा, तन्ना हाथ छोटे और जमा लिपटेगा। अरे बालू ने तो सुने है दुगाई पसंद हो है, तने छोट दे तेरे चिपटेगा। आई के ग्रह है भारी तुम्हारा चाले है झंडू, थोड़ा हम मुंह प्राण कर ले, यो तेरा प्यार लेना चाले है। मैं भी छोटू को नहीं भाई जमा निपट रहा हूँ, तेरे में कितना यांगा हूँ, मैं भी जोर से चिपट रहा हूँ। बेशक जोर ता चिपट रहे हो और मरोड़ दूंगा, तेर मता जमा खुशबू उठ रही है, इस पे डेने तोड़ दूंगा। डार्लिंग जाने नहीं दूंगा आज। हाय आई लव यू। हाय
मेरे मेरे देवानंद ओले तुम भी राजी। हाय रे मृत्या जंडू हाय यू तोरी चपोत तो मार लग रहा है खाने तोड़ के चलेगा के। हाय मृत्या रे ओहो लाला जी आ लग रहा। हाय मृत्या मखैया किसी आवाज आई या तो मन सी लग गए राजेश की बहू की आवाज हो के बात बुढ़िया किसी बावली गादड़ी के कान से पकड़े बैठी है। या गादड़ी को ना या तो तेरा फूफा रिक्शा रिक्शा बुढ़िया छोड़िए ना पकड़े राखिए मैं आलिया सु चिंता ना करे जब तू कहता इसका थप्पड़ मारू जब तू कहता इसका गुस्सा मारू जब तू कहता इसका काट के जूती मारू जब तू कह दे तो इसके पाछे में चार डोके मारू बस तू पकड़े राखिए छोड़िए ना बाकी काम मेरा डरता नहीं हूँ मर्द हूँ मर्द। कभी उसका पाछा पे डोका मारे और इस बीच न गुस्सा आ जाए और गुस्से में यो तेरे पे छटवा ले और कदे ते न खा जाए दिमाग ते काम ले दिमाग ते। सेठ जी डोगे मत मारे मेरे दोनों हाथ इसके हाथा न पकड़े थक गए बस एक काम करो आप इसके आके हाथ पकड़ लो मेरे हाथ दुखन लग गए इतने मैं चमेली खातर जामन चुग लूंगी। सेठ जी मखम मैं पकड़ लू ले पकड़ा बानिया जरूर सू पर तेरे हुक्म ते एक मैं शेर की भी गोली भर लूंगा ले पकड़ा आ जाओ पकड़ो। ले बे जंडू मौका पड़ा है रिच के हाथ तने पकड़ा है ये लाल लेते यो जोड़ा था अर्जुन से ये जामन है लेकर भाज ले चली बात सुन बात तू कि चली रिच के हाथ पकड़वा दिए मेरे थी हम मन मरवाओगी के मखा कितना है। लाला जी मैं कोन्या सुनती तेरी बात इब तो अड़ा बेटा बेटा दूध साबी लोए जाया आई रे मरवा दिया मेरन ने आई रे मैं भी के मन्ने यो छोटा रिश्ते में खाया मरवा दिया मेरे ने लूकर नहीं पकड़े मैं क्या रहूँगा मरवा दिया मकाई में मरते लिया पर एक बार हाथ छोड़ के देख के बाद जरूर जान बच जाता थोड़ी बहुत अरे मार गया रे चपटा मारा हाय हाय ले बजंटू चोखा जाए न बची अरे भाभी आ गई मैं तो डर गई थी आ कितनी बार होगी कदे भाभी पेड़ पर चढ़ गयो और कितने हाथ पांव तुड़वा लियो एरी चमेली हाथ पार के आज तो कमाल हो गया। इसी के बात हुई भाभी री आज तो बड़ी मुश्किल से इज्जत बचा के आई सुन है ऐसा क्यों हुआ भाभी के सुनेगी जमा छा गया तेरे खातर लेन गई जमोए ओड़े तो एक रिछ आ गया अंधे जाए रोए ने जमा जकड़ ली न्यू सोचा के सूत्री लुगाई हमें तो पेड़ा दोरे पकड़ ली फिर क्यों है भाभी फिर के होना था ओड़े तेरा बाबू आ गया और उसने बड़ी मुश्किल से छिटवाई मैं। अरे भाभी जब तेरा कुछ हो जाता तो मैं अपने भाई राजेश से आज के जवाब देती और इसी के जामना की बात थी तू बाज के उल्टी क्यों ना आ गई थी भाभी। उल्टी क्यों कराऊं चमेली चरिच मने साबती ना खा लो फिर तेरा वचन के तोड़े जावे था मेरे पे चमेली तू कवे तो मैं दुनिया छोड़ दियूं और मरोड़ दियूं
तू प्यार ऐसा कह दे तेरे वास्ते तुम आसमान पे तारे भी तोड़ दू। हाय री बाबी, बस मेरा तेरी इन बातें की तक खटक से है। जब तू मीठी मीठी और प्यारी प्यारी बात करे स ना, तो मेरा ईसा जी करे स। की सा जी करे स री? ईसा जी करे स जनू तेरी कोली बरके और लिपट जाऊं और छोड़ू ना कती भी। हाय हाय छोड़ दे चमेली, कोई देख लेगा मेरा भी। हाय हाय कुटकुटी सी हो है। देख लेगा तो कैसे कि तू छोरा से? जे मैं छोरा होता ते भाभी, जब तू छोरा होता ना, हाय जब तू छोरा होता ना, तो मैं तेरी गला ब्याह करवा लेती। चमेली तू साची कह है? और कि मैं झूठ कहूं सू? चमेली हाय कदे तू अपने वचना ते फिर जाए। भाभी ये चमेली के वचन से, ये किसे ऐरी गैरी छोरी के वचन ना है। तो चमेली तुमने भाभी कहना छोड़ दे। ले तो चमेली इब तेरे खातर मैं छोरा बन जा, ई बोल के कैसे। हाय जंडू टेलीविजन आड़ा, राम कसम जंडू, मैं तने बहुत प्यार करूँ सूं, और जब भी मैं तेरे नाटक देखा करती ना, तब मैं तेनू सोचा करती मेरा दूल्हा हो तो बस जंडू है जैसा हो। सच्ची? हाँ सच्ची, आजा मेरे स्मार्ट बॉय, मेरे सपनों के राजकुमार, कहाँ थे अब तक? चमेली मैं तो जींद में पड़ा था। रे जंडू, रे तू कित ख्वाबा में खो गया, रे तू खानदानी पंचायती आदमी, इंती गराब लागे जो तेरी बेइज्जती करी है, तू उसने भूल नहीं सकता, रे लोगा ने तू उल्लू बनाए करता, आज तने ये उल्लू बना गे, इसका मतलब इन दोनों की मिली भगत थी, तने इन दोनों का जूत नहीं बजवाया, तो तन्ने जंडू कौन कहेगा? और जंडू दिखा अपने दिमाग की करामात, ये तेरे में आग लावे थे, जंडू तू ऐसा काम कर अकिन के घरे में आग लाग जाए। महाराज मन्ने काटड़े काके रिश्ता करना है, आप मेरे पति के बारे में बताइए। माई की बेटी, तेरे पति के बारे में मैं बता तो सकता हूँ, लेकिन आप बुरा मान जाओगे। ना महाराज, बुरा क्यों मान जाऊंगी, जो सच्चाई है वो बताओ। तो सुनो माई की बेटी, तुम्हारा पति पिछले जन्म में गधा था। गधा था महाराज? आपने के बेरा? बेरा बेरा नहीं, मैं तने क्यों बताऊं, यो मंडी में नमक ढोया करता। महाराज मैं आपकी यो बात क्यों कर मान लूं? हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या, तुम्हें कुछ शक है तो जांच कर लो। महाराज वो कैसे? तो सुनो माई की बेटी, आज जब तुम्हारा पति सो जाए तो उसकी कमर को चाट कर देखना, वो तुम्हें नमकीन लगेगी, अगर नमकीन ना लगे तो समझना हमारे घर कोई पाखंडी आया था। ठीक है महाराज, आज मैं उसको चाट कर जरूर देखूंगी। हाँ बच्चा, यदि तुम उससे बच सको तो बच लेना। महाराज आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जो समय से पहले आपने मेरे से ये बात बता दी। मैं तो महाराज बिल्कुल पति भरता और समझ रहा था उसको, लेकिन आपने जब ये बात बताई मेरा तो दिल कांप उठा महाराज, कांप उठा। बच्चा तुझे पता नहीं है, पिछले जन्म में नागिन थी ये और छाती थी, मैंने अपने तीसरे नेत्र से देखी है, ये लोगों को बहुत खाती थी। अरे महाराज जुलम हो गया होगा महाराज, मेरे बच्चे को भी और मेरे को भी ई बाल में फुल खतरा है, फुल खतरा महाराज। अच्छा महाराज आदेश महाराज। अब दुखी रहोगे बच्चा। ऐ या महाराज ने नहीं क्यों कर गई, दुखी रहोगे बच्चा? हाँ जरूर, मेरी पत्नी की बात
सोच कर इस कारण कही इसने यार निकलनी थोड़ी कर ले बचाल घर का नहीं चलना आज देखा के रास्ता जाकर मैं से मिस बरकस होना पड़ो नींद तो आ नहीं रही आज मुझ पिछला जन्म में नाग बताऊं थे महाराज लेकिन इसमें कुछ जहर तो इब्बी भी बच रहा होगा उसमें जरूर आज देखाएंगे के बेरा महाराज की बात साची है पाजा ले भाई दोनों को ना आग ला दी इब दूर बैठ के सेकांगे अपने हाथ आगे आप बड़ी मीठी बोली रोटी लाऊं साची कही है किसी ने आदमी हमेशा मीठा बनकर मारे है जोड़ वही मारे मन ने कोने आज भूख बाक मैं तो थक सा रहा हूँ मेरी तो खाट गाल दे मैं तो नींद आवे है थक क्या रहा सुन कह तो न्यू से जनु आज भी नून ढोके आ रहा हो महाराज की बात तो सच दिखे से बढ़िया है आज इन्हें बखत्ते नींद आने लाग रही सी मन ने भी चाटन का मौका लाग जागा और बेरा लाग जागा पिछले जन्म में यह गधा था या नहीं बेटे जगता रही है कदे असली मां आंख लाग जाए तेरी और यह कर्जा डराना अपना काम पूरा आज तो पकड़ ली है यार रंगे हाथा गति जगता रही है बेटे जगता रही है सोते मर जाएगा दिखे सो गया इधर तो चाकने लग रहा है हो गया या सीटी सी सुन गई ना मने ईब मौका से ईब देखूंगी इसकी कमर चाट के अकिया फीकी है या नमकीन पिछले जन्म में यो गधा था या नहीं बोलिए आज मैं तेरे नागर दिखाने लग गई राम मन्ना नहीं बेरा था तेरी माँ ने तू नागन जाम कर मेरा पल्ला ला दी बात सुन ले मेरी माँ बाप तक नहीं चले आ जाएगा ना तो अच्छा नहीं होगा अपनी सासू की सारी खंजड़ी तारी नु देख ले गधे का के काम से दुलत्ती मारना चल 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 मंडी में जा नून ढोले जा तू भी अपना बिल ढोले गिरे खानदान की औलाद अच्छा साले कुत्ते अच्छा साला कुत्ता बना है ले मने बॉक्सिंग चालू करनी है पड़ेगी अच्छा तेरे मारेगा और अच्छा तेरे बाल काटूंगा तेरे तेरी गड्ढो दूंगा बीच में देखा जाड़ दिया ना जाल सा तेरा अच्छा मेरे के हाथ टूट रहे से घुमा कर बगानी पड़ेगी अरे ये तो बहुत बढ़िया हो गया
जो छोरा भी स्कूल का टूर पर जा रहा है ना तो केसर पड़ता उस पे है ना, या तो डांस है या घर में। अच्छा, और यो गधा गधा तू लत रे लात ठोकनी पड़ेगी। अच्छा तो मैं ना कर सू लत नहीं डसूंगी। ओ नूर अपने दांत ने नून कर मुंह ने नून कर और मेरी बात सुनो और तो कुछ भी कर ले मेरे बारे में नहीं पर मुंह ने ना दे मेरे कर इसकी गर्दन पकड़नी पड़ेगी छोटू नहीं कटी। यो तो भला उस बाबा का जो मेरा आगे बता दी उसने अगिया तेरी कमर पर डंक मारेगी यो सोलेगा जब छोड़ दे बने छोड़ दे ये तो बाबे का। हाँ मारा तूने जान बचाई मेरी आज तू एक बार छोड़ बने छोड़ क्या था बात सुन मेरी और बात तो मैं बका के और मैं गर्दन छोड़ दूँ तू मने डस ले मैं तो ना छोड़ दूँ तेरी गर्दन बात नहीं होगा। आके बता बाबा एक बाबा घर ने भी आया था एक बाबा था घर में वो यूँ कहता कि एक पिछले जन्म में तेरा पति गधा था और नून डोया करता। अच्छा और ना जचती हो तो उसकी कमर चाट के देख लिए नमकीन पाओगी मैं तो तेरी कमर चाट के देखूंगी। अच्छा रायो बाबा है मेरा तो रहा था अन्यू बोला अगर तेरी पत्नी पासला जन्म में नागण थी ना जस्ती हो ना भाई तो आप सो जाइए जब तू सो जाएगा तो आज तेरी कमर पर डंक मारने आवेगी डंक मारने। और देखे भगवान या हमारे घर में किसी की आग लाई हुई से न्यू सोच ले पूर्ण आदमी है उसका हिसाब जिसने हमारा घर में इतना बड़ा महाभारत करवाया। अरे किसे की बस की बात नहीं थी और उजाड़ू था थमने मेरे पे कान पकड़वाए नाक रगड़वाई मैं तारा दिल दोनों का साधु बन के पाड़ू था। अच्छा पाड़ू तो मैं गा तेरा लठ झंडू ने बदला ले लिया झंडू बाजिया नहीं थे करता।